हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताने वाला हूँ कि ब्लड क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में 80% जो बीमारियाँ होती है वो ब्लड की वजह से ही होती है, इसलिए हमें ब्लड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में क्या काम करता है और ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि ब्लड क्या है। जो दोस्तों जो ब्लड होता है वो एक रेड कलर का फ्लूइड होता है। मेनली इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है द्रवभाग जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो ठोस भाग। जो ठोस भाग होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं दोस्तों तीन तरह की होती है। पहला है लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, और दूसरा है श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और तीसरा है दोस्तों प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं द्रवभाग की, जो कि प्लाज्मा है, कि प्लाज्मा है क्या चीज़। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड में पीले रंग का जो तरल पदार्थ होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जो इसकी मात्रा होती है ब्लड में 60% तक होती है, और जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% तक पानी की मात्रा होती है। इस यानी कि इसकी जो मात्रा होती है ब्लड में वो 60% होती है। मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट, वो हमारे 40% होंगे, और उसमें से बाकी के जो 60% है वो हमारा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% तक पानी की मात्रा होती है। इसमें प्रोटीन्स, क्लॉट बनाने वाले कारक, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा को ब्लड से अलग करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें ब्लड डालेंगे। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया करेंगे हम। तो सेंट्रीफ्यूज से क्या होगा, जो ठोस कोशिकाएँ होती हैं WBC, RBC और प्लेटलेट, वो नीचे रह जाती है, और जो हमारा प्लाज्मा होता है द्रवभाग वो ऊपर रह जाता है। जैसे कि मैंने ये टेस्ट ट्यूब में दिखा रखा है, ये फोटो में, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होती है एक। दोस्तों जो ये सेंट्रीफ्यूज करके जो हमारा ये प्लाज्मा तैयार हुआ है, अगर हम इसमें से फिब्रिनोजन और जो अन्य खून को जमाने वाले जो पदार्थ होते हैं अगर उनको हम अलग निकाल दें, तो जो बचा हुआ प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा नहीं, उसको हम सीरम बोलते हैं। दोस्तों इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये जब भी मैंने इंटरव्यू दिया कहीं पर या जब मैंने कोर्स कर रहा था तो मेरे एग्ज़ाम में भी आया था कि प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है। दोस्तों प्लाज्मा का उपयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा फेरेसिस भी बोलते हैं इसको। तो अभी ये लेटेस्ट जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए भी साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी प्लाज्मा थेरेपी की। फ्रेंड्स प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड लेते हैं सरीन से, फिर उसको ऐसे ही टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उससे प्लाज्मा अलग किया जाता है, फिर उस प्लाज्मा को इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट की बॉडी में जो है इंजेक्ट किया जाता है, शरीर में डाला जाता है।